टाइकनिक ऐसी गाड़ी है कि लोग आके रुक जाते हैं देखने के लिए। मैं बता रहा हूँ हर आदमी फोटो ले रहा है। अभी गाड़ी धुलाई थी, अभी शूट लोकेशन पे आके वापस गाड़ी साफ करनी पड़ी। तो यहाँ पे ऊपर ये मशीन लगाई है जिससे ये पूरा सेटअप खोल देंगे। आज सुबह हम फट से बिस्तर से कूद गए बाहर क्योंकि ये गाड़ी आ गई है। ये है Porsche Taycan Turbo S। चलिए, सिर्फ 145 किलोमीटर, ब्रांड न्यू गाड़ी है, इसका हम रन इन करेंगे। यस, आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन टू ड्राइव दिस इन इंडिया। सॉरी, झूठ बोला मैंने, 176 किलोमीटर चल चुकी है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। जहां जाओ लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। ये है प्रेजेंस Porsche की, ट्रस्ट मी। और हम इस गाड़ी को भी शूट कर रहे हैं जीप में। रीडिंग मैं नहीं शूट कर रहा, मोटिविंग के लिए कुछ तो शूट हो रहा है, तो जल्दी इसको निपटा के भेजते हैं। इसको यूज करेंगे हम ट्रैकिंग वीडियोस लेने के लिए। चलो लेट्स डू इट। बहुत ही सही शूट हो गया है, ट्रैकिंग शॉट्स हो गए हैं, थोड़े बहुत फोटोज भी हो गए हैं। अभी हम करेंगे नाश्ता, फिर बाकी शूट करेंगे। बहुत ज्यादा शूट करना, मैं दिन रात इसी गाड़ी में बैठ सकता हूँ, बताइए। सही नई चीजें, ड्रोन शूट के चक्कर में ऑफ रोड टाइप जगह ले गया, ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं की, तो धूल वूल उड़ी ड्रोन के पंखों की वजह से, गाड़ी गंदी होगी। गाड़ी धुलाएंगे फिर शूट करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock, 12:30। टू बी ऑनेस्ट, गाड़ी एकदम क्लीन नहीं आई थी, इवन दो ब्रांड न्यू है, थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी। आते आते तो ऑब्वियसली गंदी हो जाती, बहुत काम चल रहा है ना मुंबई में इधर उधर। चलो, वॉश ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ज्यादा टाइम नहीं लगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट द कार वॉश, अदरवाइज कपड़ा तो लेके घूमते हम लोग, लेकिन उससे वो वॉश नहीं होगी जो ये वॉश हो रही है। टाइकन एक ऐसी गाड़ी है कि लोग आके रुक जाते हैं देखने के लिए। मैं बता रहा हूँ हर आदमी फोटो ले रहा है। इट्स नॉट अबाउट द टाइकन, इट्स अबाउट बीइंग अ Porsche। Porsche है तो ऑब्वियसली ना अलग लेवल अटेंशन अट्रैक्ट करती है। सब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इस गाड़ी को, सब लोग रुक के देखते हैं गाड़ी को। बाय द वे, थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हो रही थी, बारिश ऑल ऑफ अ सडन, ये कब से मतलब कहाँ से आ गई। ये बंदा अभी अपना फ़ोन निकालेगा और फोटोज लेगा। आई एम सो श्योर, आई मीन हु वुडंट वांट टू टेक फोटोज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कार। और लोग आ गए हैं फोटो लेने के लिए, बट ये बंदे ने मुझसे पूछा मैं फोटो ले लूँ क्या, मतलब विच इज़ वेरी स्वीट, बट एनी वन कैन टेक फोटोज, ऐसा कुछ पूछने की जरूरत है नहीं, बिंदास लो फोटोज। लेटर दैट सेम इवनिंग, शाम के 6 बज रहे हैं, कुछ नहीं खाया लंच वंच, अभी मैं F2 के लिए लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ा कुछ खाना मैकडॉनल्ड से, बिकॉज नूरेन इज शूटिंग राइट नाउ, इसलिए मैं I-20 लेकर यहाँ पर आ गया। मैकडॉनल्ड वॉशरूम भी जाना था। ओह व्हाट अ क्रेजी शूट, बट एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट अच्छा है तो मजा आ जाता है। बिलीव नहीं करोगे क्या टाइम हो रहा है, रात के 12:30 हो रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ नाइट शॉट्स लेने के लिए, क्योंकि सीन हुआ बारिश हुई बीच में, बारिश की वजह से ऑब्वियसली ताकि चीजें ड्राई हो जाए, उसका वेट कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि कल सुबह 7 o'clock शूट करना था, वो पोस्टपोन कर दिया मैंने 10 बजे, क्योंकि ऑब्वियसली थक जाऊंगा। बहुत सारे शूट वूट शॉट्स वॉट्स वगैरह सब लेने हैं, गाड़ी के बारे में पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल के पढ़ ली है। लाइट क्यों नहीं ऑन हुई इसकी, थोड़ी सी बारिश हो जाए और गाड़ी इतनी गंदी हो जाती है, मतलब हद गंदगी है। चलो अभी साफ करेंगे। अब आप बताओ, ऐसा डेडिकेटेड बंदा जो रात को ऑफिस आ जाए। मैं ऑफिस एक्चुअली नहीं आया, यहाँ पे साइड में पार्क की थोड़ी फोटोज लेने के लिए। अब लॉन्च देखना, खतरनाक लॉन्च एकदम। चलो फाइनली 2 बज गए हैं एंड थोड़ा बहुत कुछ समझ आया गाड़ी के बारे में। जब भी मैं बैठू ना, मैं कोई नई चीज समझता हूँ, इसलिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है समझने में और फिर ब्लॉक करने में। The next day. शूट के लिए जा रहे थे लेकिन गाड़ी गंदी हो गई ऑलरेडी सुबह से, थोड़ी बहुत धुला रहे हैं क्योंकि सीधा वॉक ऑन करेंगे और प्लान है सोनी के कैमरा में करेंगे, तो सब डिटेल्स दिख के रहेगी, तो वॉश कराने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आप अपग्रेड करते हैं इक्विपमेंट और हेडेक चालू हो जाता है। अभी गाड़ी धुलाई थी, अभी शूट लोकेशन पे आके वापस गाड़ी साफ करनी पड़ी। इवन दो स्लो स्पीड पे चलाया ना, थोड़ी बहुत गंदी तो हो ही गई है पीछे से, बहुत डस्ट उड़ती है, पता नहीं आती कहाँ से है और क्यों आती है इतनी डस्ट। तो चार्जिंग के लिए मैं इधर आ गया हूँ और प्रॉब्लम यह है कि किसी ने अपनी नेक्सॉन पार्क करके रखी हुई है और चार्जिंग स्पीड यहाँ पे 25 kW है। क्या 30 स्पीड मिलती है ना यहाँ पे चार्जिंग की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इतने गांव में बिठाए एक ही चार्जर, बताओ। तो गाड़ी को वापस चार्ज करें, बोल रहे 3 घंटे लगेंगे फुल चार्ज होने में, इतना टाइम अपने पास तो है नहीं बॉस, क्योंकि शूट वूट करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चार्जिंग वार्जिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। इनफैक्ट यहाँ पे कितनी चार्ज हुई बता रही है, 18% हुई है, 69 किलोमीटर रेंज, 30 की स्पीड दे रहा है। 30 क्यों भाई, 60 दे देना, तेरा क्या जाएगा, डबल स्पीड पे चार्ज हो जाएंगे फिर हम। तो स्टेटस ये है कि गाड़ी चार्ज हो गई है लगभग 45%, तब तक हम खाना वाना पीना धोना सोना बोना सब कर लेंगे, तब चार्ज होगी पूरी। बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब 4x4 है, एटलीस्ट फेक SUVs तो नहीं दे रहे ये लोग चलाने के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन हेडरूम तो बहुत सेक्सी है इसमें, जहाँ देखो लोग आ जाते हैं गाड़ी के आसपास देखने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे होटल वाले बोले थे सब आपकी गाड़ी ही देख रहे हैं। चलो 60% बैटरी, 215 की रेंज, निकलते हैं शूट पे।
ये जो बंदा है ना एफ टाइप में, एसवीआर में, अलग ही जोश में, अलग ही टेंशन में, फुल स्पीड में से रेस करके ट्रैफिक में अटक रहा है। ड्राइविंग ब्लॉग नहीं हो पाया आज, प्लान थी करने की लेकिन शूटिंग में इतना टाइम लग गया, चार्जिंग में इतना टाइम लग गया, नहीं हुआ। गाड़ी जा रही है 7:37, एक घंटे में तो नहीं होने वाला, तो हम कल गाड़ी दे देंगे, आज नहीं देंगे कल देंगे, तो कल करेंगे सुबह को ड्राइविंग ब्लॉग। लेट है, यू वोंट बिलीव, मैं यहाँ पे एक घंटे से खड़ा हूँ। कॉलोनी में काफी लोग थे जो बात करना चाहते थे गाड़ी के बारे में, वही एक घंटे में बता रहा था गाड़ी में 37 लाख की एक्सेसरीज लगी है, बोल रहे की क्या बात है, हमें देख के डर लग रहा है गाड़ी को, आप चलाते कैसे हो, जलवा है हमारा। एनीवेज जाके अभी चार्ज करने घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और फिर चार्ज करेंगे। ये लाइट ब्लिंक होती है यहाँ पे, नोटिस किया, ये लाइट यहाँ पे ब्लिंक होती है, दैट्स काइंड ऑफ कूल। फोकस फोकस फोकस, यस वी विल गो टू चार्ज द कार नाउ। तो रात को हम 11 बजे मॉल आ गए, मॉल कौन आता है रात को 11 बजे, मॉल तो बंद हो जाता है ना रात के 11 बजे, पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें गाड़ी चार्ज करनी थी, इसलिए हम मॉल आ गए। यहाँ पे 60 किलोवाट फास्ट चार्जर है, लेकिन पार्किंग स्पेस इतनी छोटी सी ना चार्जिंग के लिए, बहुत ही शौक लगा मुझे देखे की जगह ही नहीं मूव अराउंड करने के लिए, गाड़ियां से चिपक चिपक के, जबकि मॉल में इतनी ज्यादा पार्किंग होती है। तो अभी 39% है बैटरी और आई थिंक एक घंटे में हो जानी चाहिए फुल चार्ज। एक घंटे बाद ऑलमोस्ट 80% हो गए, एक घंटे से भी ज्यादा हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम थी कि लेफ्ट में ना MG ZS EV खड़ी थी, उसकी वजह से ऑलरेडी इसकी स्पीड हाफ हो गई थी, फिर वो ZS EV निकल के 100% चार्ज किया उस बंदे ने, 100% ना, 1% भी नहीं छोड़ा। फिर ये नेक्सॉन EV आ गई, इसकी वजह से चार्जिंग स्पीड हाफ हो गई, 21 के आसपास चल रही थी, नेक्सॉन की चार्जिंग खत्म हो गई, तो ये बाकी वापस स्पीड में हो गई, अभी वापस ड्रॉप होने वाली स्पीड, क्योंकि 80% होने के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। The next day, good morning guys, आज सैटरडे है, तो आज हम जा रहे हैं ड्राइविंग ब्लॉक के लिए। इसके सुबह बैठ के मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, आज का वीडियो शेड्यूल वगैरह किया है, और अभी मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बोलने हैं, कहीं भूल ना जाऊं। तो फाइनली पूरा शूट खत्म हो गया और अभी गाड़ी को बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय आई थी 150 के आसपास, टोटली 500-600 चल चुकी है। Hyundai lovers are here. बताओ कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो? अभी तो देखेंगे। पता है लास्ट व्लॉग में सब लोग ने देखा और एवरीवन ये है सिंपैथी फॉर यू। Yes, कि बेचारे, हाँ जस्टिस फॉर नजार, हम लोग ही जानते हैं पीछे कितना टॉर्चर करता है, कितना सहना पड़ता है इस भाई को। अच्छा। कैमरा में डालता नहीं, कैमरा में डालते नहीं ना हम लोग। चल अभी काम पे लग। तो बेसिकली नजार है ना, फोर्ड फिगो खरीदना चाहता है, बोलता है कि मेरे पास बड़ा दिल है, मैं सब पुरानी गाड़ियां खरीद लूंगा और कंपनी गायब हो जाएगी, स्पेयर पार्ट्स गायब हो जाएंगे और मैं इनके साथ बैठा रहूंगा और स्पेयर पार्ट्स बेचता रहूंगा बाद में अकेले अकेले एक एक निकाल निकाल के। ये सीट भी है, आजा बैठ जा स्पेशल सीट पर नजार। गाड़ी गंदी है साफ, गंदी है या साफ? अरे यार क्या चालू है ये। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन गाड़ी चलाने वाला है अभी घर? मैं चलाता हूँ, मैं नहीं ठोकूंगा, ये ठोक देगा, क्या ठोक देगा, इधर सब अभी I20 इनलाइन ठोकने वाला था। नहीं ढोकना था, वेंट वाले ने ज्यादा स्लो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने टेस्ट ड्राइव ली ना कौन सी गाड़ी की? फिगो की। हाँ, फिगो। मैंने टर्न मारा तो क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने जैसे ही टर्न मारा ना, तो जो बंदा इसकी साइड में बैठा था सेल्स गाय, उस बंदे ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब आप समझ लो, गैलीवर पकड़ लिया। Sorry to hear your virginity broke today while taking test drive upon Ford Figo. Spinny हो गया तेरा, spinny हो गया वहाँ पे। ये बंदा क्या बोलता है? मटन तो खत्म हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ ना, हम लोग खाने गए थे मंडी, तो हम लोग एक मंडी मंगाई, हम दोनों ने पीस ले लिया, इसका पीस नहीं बचा, तो ये उसको बुलाता है वेटर को, बोलते है मटन तो खत्म हो गया, वो वेटर देख के बोलता है तो मैं क्या करूँ भाई। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के 6 बज रहे हैं, नींद आ रही है, वी आर गोइंग टू दिल्ली। ट्रस्ट इश्यूज है, बंदा टिकट चेक कर रहा है, ये बताओ। डिजायर डीजल है, पुरानी वाली, पैडली गुड स्पेस है इस गाड़ी में। होटल पहुंच गए हम लॉन्च के लिए और हमारी गाड़ी भी आ गई है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। ये है BMW की X3 एंड जो ड्राइवर है ना ड्रॉप करने, वो जा रहा है 2 सीरीज में, उसने उसको भी वैले दी, दो दो गाड़ी कैसे लगा, ये तो अजय देवगन निकला भाई। हुंडई का इवेंट है ना, तो उनके टॉप मैनेजमेंट वाले ये गाड़ी चलाते हैं, दैट्स जेनेसिस 200 भरी हुई 200s। फाइनली गाड़ी को खुद से पार्क कर दिया और प्रिसिशन पार्किंग देखो। प्रॉब्लम क्या हुई ना यहाँ पे, ये लोगों ने ना वो लगा के रखा है हर जगह, ठीक है, तो ये लंबी गाड़ियाँ जो हाइट वाली है वो तो फिट ही नहीं आती ना, तो लोग ढूंढते रहते पार्किंग के लिए यार, वैली दे सकते थे, हमने कहा आज खुद ही कर लेंगे। ये देखो हुंडई ग्रुप वाले 200 जेनेसिस 200 क्रेटा इलांट्रा, मुझे लगा डिसकंटिन्यू होगी, ये लोग ने बेच दी होगी क्योंकि तो प्रेस कार लग रही, मीडिया कार लग रही, 4087 नंबर है इसका, तमिलनाडु रजिस्टर्ड। नहीं 200 एक और इलांट्रा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हुंडई वर्ना के लॉन्च पे, नए वाले पे। अब आई होप जगह हो, गाड़ियां हो, कि हम अच्छे से वीडियो बना पाए।
सनस्क्रीन नहीं लगाई? SPF 200। गाड़ी फ्री होती नहीं, एक घंटे से हम एक घंटे नहीं 6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, 4:30 हो गए हैं, इन बेचारे की फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसको ही लेके जाएंगे बैंगलोर। डूड योर सनस्क्रीन इज कमिंग ऑफ ब्रो। शिट, आई नीड टू शूट सून देन। 5:30 बज गए और ये लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर ये मशीन लगाई है जिससे ये पूरा सेटअप खोल देंगे एंड फिर एक एक करके गाड़ी निकाल देंगे। ये देख रहे हो जो एक गाड़ी वरना वहाँ पे खड़ी है उसको भी यहाँ से निकालने वाले हैं ड्राइव करके, इसलिए सब लोग यहाँ पे खड़े वीडियो लेने के रेडी हो रहे हैं। ताकि ये देखो मैंने मूविंग शॉट डाल दिया गाड़ी का पहले, ये देखो अब गाड़ी आउट। इस भाई को ना 50-60 रिवर्स तो मारने ही पड़ेंगे वरना गाड़ी तो नहीं निकलने वाली यहाँ से। अरे भाई एडा से तुम्हारे पास काय को तुम टेंशन ले रहे हो, घुमाओ गाड़ी जहाँ पे भी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मारेगी, रिवर्स क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, फॉरवर्ड कोलिशन वार्निंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, घबराते क्यों हो, घुमाते रहो गाड़ी, बस 6 एयरबैग भी तो है तुम्हारे पास, फिर भी बाहर के पार्किंग सेंसर्स बता रहे हैं आओ रुको। सो बेसिकली हुंडे ने ये गिफ्ट्स दिए हैं, अब पता नहीं इसमें है क्या, अभी थोड़ा बहुत आइडिया मुझे मिल गया है, पूछा मैंने आजू बाजू तो पता चल गया है, हम करेंगे अनबॉक्स बाद में, इसको अंदर रखते हैं पहले तो, और लेट्स शट दिस। तो हम अपने एयरबीएनबी पहुंच गए, मैं बहुत सरप्राइज और शॉक हो जाता हूँ यार, कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे। मुंबई में इतने टट्टी टट्टी रहते हैं घर, और यहाँ पे गुड़गांव में क्या क्या अच्छी अच्छी कॉलोनीज बन चुकी हैं, ये देखो कितना सेक्सी लग रहा है। सच में आई एम वेरी इंप्रेस्ड बट आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि मुंबई में इतनी टट्टी क्यों करके रखी है इन लोग ने हाउसिंग के मामले में, क्योंकि कोई अच्छे से घर नहीं है, अच्छी कम्युनिटीज नहीं है, बस जो भी बोलूं। ये एयरक्राफ्ट की आवाज कहां से आ रही है? एनीवेज लेट्स गेट इनटू आवर एयरबीएनबी। सीन ये हुआ है ना, होटल इतने महंगे हो गए ना कि एयरबीएनबी ही बुक करना पड़ा, और ये काफी ज्यादा अच्छा एयरबीएनबी है, तो ये आपको चार्ज करेंगे अगर ओवर इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, इसलिए ऑलरेडी टीवी ऑन करके रखा है, लाइट्स ऑन करके रखी ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जल्दी जाए और आपसे वो चार्ज ले पाए। यहां से व्यू अच्छा दिख रहा है, इनफैक्ट मैं बोल रहा था बहुत अच्छी कॉलोनी, इट्स वेरी नाइस एंड स्पेक्टेकुलर, फेक है ये। वहां पे गन्स लगी हुई है, कैन यू बिलीव दैट, और रूफ देखो कितनी हाइट है इसमें, बड़ी सी घड़ी, आईफिल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, हम दोनों जगह जा चुके हैं। एक रूम यहाँ पर है, इट्स क्वाइट कूल, वहाँ पे साइकिल बनी हुई है, और यहाँ पे एक वॉशरूम है, यहाँ पे किचन है जिसका हमें कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि हमारी पत्नी तो आई नहीं हमारे साथ, और यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह वगैरह। एनीवेज लेट्स गेट आउट, दिस इज ऑफ नो यूज टू अस, एंड लेट्स गो टू आवर रूम विच इज अप। बाय द वे देयर इज अ स्टोर रूम हियर, क्या स्टोर करेंगे यार, ये लोग सोचते क्या है हमें, हम कुछ मतलब सामान लेके घूमेंगे पूरे टाइम। एनीवेज क्लाइंब अप ऑल द वे, अब मैंने डिसाइड किया मैं ऊपर रहूंगा लेकिन बहुत क्लाइंब करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छी सी सीटिंग है, सो दिस इज लाइक अ डुप्लेक्स, दिस आर गाड़ियां बनी हुई है, नाइस, यू कैन सिट हियर। अभी बैठ के यहाँ पे वीडियो एडिट करने वाला हूँ, और यहाँ से टॉप व्यू दिखता है। आई रियली लाइक दिस हाउस यार समहाउ। ये नूरिन का गिफ्ट है जो जहूर ने दिया है, ये हुंडे ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है, बड़ा सा डब्बा है, बहुत ही बड़ा डब्बा है, अनबॉक्स करना चाहिए या नहीं बताओ मुझे। और यह हमारा रूम है, वॉशरूम एंड अ बिग रूम, लाइक रियली बिग, बहुत ही बड़ा रूम है यार, बहुत प्यारा रूम है। BMW की पड़ी है यहाँ पे, सब पेंटिंग वेंटिंग पड़ी हुई है, कबर्ड्स क्वाइट अ लॉट ऑफ इट, एंड डिसेंट व्यू। अगर मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांस है टुकड़ा रहता है, बट अफसोस की बात यह है कि हम ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करने वाले क्योंकि हम कल सुबह निकलने वाले हैं शूट पे। जिंदगी में सबसे डिफिकल्ट चीज है बर्तन धोना, इसलिए ऐसी चीज ऑर्डर की जिसमें बर्तन लगे ही ना। और हम एक्चुअली किसी के फार्म हाउस आए हैं, घास पे चलाने का अलग ही मजा है क्योंकि ये जो स्टिफ राइड है ना इतनी फील नहीं होती घास पर। क्या हुआ, क्या हालत हुई भाई की, आंख ही लाल हो गई, पूरी आंख से लाल हो गई थी तुम्हारी एग्जॉस्ट की आवाज सुनने, मेरे तो कान पड़ गए, मैं तो ऐसे पकड़ के रखा था कान।